विदिशा के पठारी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर प्रशिक्षण हुआ, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना ही शिक्षकों का कर्तव्य है, ये संदेश दिया गया। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा के पठारी में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पठारी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का शुभारम्भ माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्रशिक्षण में शिक्षकों को बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करने, सभी विद्यार्थियों के लिए चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस कार्य में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। वर्तमान में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पठारी में दो व्यावसायिक ट्रेड ब्यूटी एंड वेलनेस एवं होम फर्निशिंग कोर्स संचालित है। इस अवसर पर प्राचार्य गौरी गोस्वामी, प्राचार्य प्रकाश नारायण रिछारिया एवं समस्त स्टाफ के साथ जनप्रतिनिधि आदि मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। यह उसकी सामग्री शिक्षा शास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षा सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों, चाहे बुनियादी शिक्षा हो, चाहे मिडिल और माध्यमिक, किसी भी प्रकार की शिक्षकों को शामिल करते हुए भी टीईटी को विस्तृत किया जाएगा। विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित विषय में, जो उनका विषय है उसके संबंधित विषय में प्राप्त टीईटी या एनटीए परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। जो उन्हें अंक हासिल किए हैं उन अंकों को भी उनकी प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाएगा। और इसके साथ शिक्षा के प्रति जोश उत्साह को आंकने के लिए, उनमें क्या उत्साह है, जोश है बढ़ाने के लिए उनके विषय में, उसको आंकने के लिए एक शिक्षक साक्षात्कार भी किया जाए। साक्षात्कार या कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम यहाँ 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। ये कार्यशाला आयोजित की गई है लोक शिक्षण सचिवालय के द्वारा, तो उसमें विभिन्न पहलू हैं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करना थी। विद्वानों को बुलाया गया था कॉलेज स्तर से और ग्राम स्तर से जो भी थे, लेकिन मौसम के कारण जो भी है आ नहीं पाए हैं, तो अपन लोग ही पढ़ के सुना देते हैं थोड़ा बहुत। तो भी ध्यान केंद्रित किया गया है। ईसीसीई का संग्रह उद्देश्य बच्चों का शारीरिक, भौतिक विकास, संज्ञात्मक विकास, समाज संवेद्यात्मक, नैतिक शिक्षा विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा साक्षरता और संज्ञात्मक ज्ञान के विषय में अधिकतम परिणाम को प्राप्त करना है। एनसीसीआरटी के द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए दो भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा, अर्थात 0-3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और 3-8 साल के लिए एक अन्य सम फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। उपरोक्त निर्देश अनुसार ईसीसी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नवाचार एवं सार्थक प्रथाओं पर नवीनतम शोध को शामिल करेंगे, विशेष रूप से उन प्रथाओं को जो भारत में कई शताब्दियों से बाल्यावस्था की शिक्षा के विकास के लिए समृद्ध हैं और वे स्थानीय परंपराओं में विकसित हुई हैं। मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा। शिक्षा की बुनियादी आवश्यकता जैसे मूलभूत स्तर पढ़ना लिखना और अंकगणित को हासिल करने पर ही हमारे विद्यार्थियों के लिए बाकी नीति प्रासंगिक होगी। माने जब मूलभूत ये फंडामेंटल जब तक बच्चा नहीं सीखेगा आगे फिर और कुछ नहीं समझ में आएगा उसको। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्राथमिक आधार पर आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। उसके अनुसार सभी प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में
सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें 2025 तक प्राप्त किए जा सकने वाले चरणवार चिन्हित कार्यों और लक्ष्यों की पहचान करते हुए और उसकी प्रगति को बारीकी से जांच और निगरानी करते हुए अविलंब एक क्रियान्वयन योजना तैयार करेंगे। सर्वप्रथम शिक्षकों के पदों को जल्द से जल्द भरना होगा और विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में और उन क्षेत्रों में जहां शिक्षक बच्चों का अनुपात ज्यादा हो। अपने यहाँ की भी लगा लो, 690 बच्चे हैं, अपन रेगुलर टीचर और विद्युत मिला की बात करें 16-17 का स्टाफ है, तो उन्होंने कहा 30 एक अनुपात होना चाहिए, 30 बच्चों पर एक शिक्षक है। तो जहां शिक्षक बच्चों का अनुपात दर बहुत ज्यादा है, वो साक्षरता की दर निम्न है,